नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपकी BMW के शॉक एब्जॉर्बर्स या फिर शॉकर्स प्रीमैच्योरली एक छोटी सी गलती की वजह से क्यों खराब हो सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, मेरे सामने दो BMW के शॉकर हैं और ये हैं BMW F10 के रियर शॉकर्स। तो शॉकर को अगर हम अंदर ऐसे ही प्रेस करेंगे तो इसको बाहर आना चाहिए, रेजिस्टेंस होती है इसके अंदर। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर इसको बाहर निकाल रहा हूँ और मैं इसको वापस अंदर पुश करता हूँ तो बहुत ही आसानी से मैं इसको अंदर पुश कर रहा हूँ और ये वापस नहीं आ रहा। इसका एक कारण है कि जैसे कि आप देख सकते हो, ये सारा शॉकर दोनों ही लीक कर गए हैं। और इसका एक बहुत ही स्टूपिड रीज़न है कि ये शॉकर लीक कर गए हैं, उसको मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस शॉकर के ऊपर यहाँ पर स्प्रिंग होता है और स्प्रिंग के अंदर एक इसका माउंट होता है जो यहाँ पर होता है। तो इनकेस अगर बहुत बड़ा कोई गड्ढा होता है तो ये शॉकर पूरा जब कंप्रेस होए तो वो माउंट वहां पर काम आता है। और ये होते हैं वो माउंट जो कि यहां पर ऐसे होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो तो इसमें सारे में क्या प्रॉब्लम मैं बताने वाला हूं आज कि भाई शॉकर हैं लीक कर गए, होता है। बट ये शॉकर वैसे ही लीक नहीं हुए। अगर आप ध्यान से यहां पर देखोगे तो आपको ब्राउन कलर का ये ऑलमोस्ट फेडिंग सब्सटेंस यहाँ पर जैसे कि फोम है ये दिख जाएगी। और ये सारे के अंदर है यहाँ पर 1500-2000 के माउंट के चक्रों में ये दोनों शॉकर खराब हो गए हैं। मेरे को इसके बारे में पहले पता था कि भाई ऐसे इनकी वजह से शॉकर खराब होते हैं। तो आगे के शॉकर जब हमने चेंज किए थे तो हमने सारी चीज चेंज करी थी, सस्पेंशन सारा ही ओवरऑल किया था। बट मैंने पीछे के शॉकर को जब देखा था उस टाइम तक ये फॉर्म इतनी डिग्रेड नहीं हो रही थी। तो सिर्फ हाथ लगाने से देख सकते हो कि ये जो माउंट है वो बिल्कुल झड़ रहा है, मतलब कि डिग्रेड हो रहा है। और ये हमारे शॉकर पर ऐसे होता है, इसके ऊपर एक स्प्रिंग होता है और ये बीच में होता है। तो जब हमारी गाड़ी चलती है ये फोम का पीस शॉकर के अंदर ऐसे हिलता रहता है। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा ये फोम का पीस बिल्कुल झड़ रहा है हाथ लगाने से भी। तो जब यहाँ पर ऐसे ये हिलता रहेगा तो इसका जो फोम के पीसेस हैं वो जाकर शॉकर के अंदर फंस जाएंगे। और कई लोग क्या करते हैं, नए शॉकर पर ये पुराने माउंट लगाते हैं और बाद में पता चलता है 5-10 हज़ार किलोमीटर के बाद ही नए शॉकर भी खराब हो गए हैं। तो ये दोनों माउंट ही इतने खराब हो रखे हैं कि अगर ये ऐसे ट्रेवल करेंगे तो सारे के सारा जो भी छोटे छोटे फोम के पीस हैं वो इसके अंदर जाकर अंदर फंस जाते हैं और फिर ये शॉकर खराब हो जाते हैं। तो अगर आपको ये चीजें नहीं पता थी तो अगर कभी भी आप शॉकर रिप्लेस कर रहे हो तो नो मैटर व्हाट इज द कंडीशन इनको जरूर चेंज करना। ये शायद 2-3 हज़ार रुपए के होते हैं BMW के तो, और दूसरी गाड़ियों के थोड़े सस्ते भी होंगे। बट जब भी शॉकर चेंज करो तो इसको जरूर चेंज करना चाहिए। और अगर आपके अभी तक शॉकर ठीक हैं और आपके जो अगर ये माउंट है उनकी हालत ऐसी है तो शॉकर को खुलवाकर ये वाले माउंट इमीडिएटली चेंज करवा लो, आपके शॉकर बच जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि अगर नए शॉकर के ऊपर भी आप ये सेम पुराने माउंट लगाकर इसको लगाओगे तो जो यहां से मटेरियल इसके अंदर जाएगा तो नए शॉकर भी खराब हो जाएंगे। तो गाड़ी के सस्पेंशन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है जब भी गाड़ी चलती है। और अगर ऐसे ये हिलता रहा और सारी ही मटेरियल इसके अंदर जम जाएंगे तो ये शॉकर तो खराब होगा ही। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि BMW के शॉकर, मेरी गाड़ी 50,000 किलोमीटर चली है, अभी से पहले शॉकर कैसे खराब हो गए। बेशक आपकी गाड़ी 50,000 किलोमीटर चली है बट अगर 8 साल पुरानी गाड़ी है इंडिया के अंदर तो ये मटेरियल डिग्रेड हो जाता है। इवन कि आपकी गाड़ी इतनी नहीं चली, आपके शॉकर ठीक कंडीशन में होंगे, विद टाइम जो इसका मटेरियल यहाँ पर अंदर आपके शॉकर के अंदर जा रहा है उससे ये सारा शॉकर खराब हो जाएगा। तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ यार, आपको ये चीज का पता था या फिर आज आपने ये पहली बार सुना है। और आई होप इस वीडियो से आप लोगों की हेल्प हो कहीं ना कहीं। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।